बी वी क्रीम बी वी सिराम और सी सी क्रीम राइट सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैं प्रेफर करती हूँ ड्यूरिंग समर्स आई एम गना रिव्यू अ प्रोडक्ट जो कि काफ़ी इसेंशियल होने वाला है समर्स के लिए अफकोर्स गो शो यू हाउ यू गन अप्लाई दिस इफ इट इज़ रियली दैट गुड जिसके ऊपर तुम्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं एंड आईम गना टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट राइट ही दिस इज द मामा अर्थ हाइड्राग्लो सी सी सिराम मैं इसको एक्चुअली दो तीन महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड मेरा ओपिनियन अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस प्रोडक्ट के लिए सो अफकोर्स एम गो शेयर इट विथ यू गाइज सफ यू गाइज वन नो how I feel about this product then please continue watching but before that please take a moment and subscribe to my channel if you like my content if you like the vibe here make sure to subscribe and also uh, share this video with your family and friends if you think this video would be helpful for any of them and now let's get started okay firstly let's talk about the packaging though ki main bahut cover so this comes in a cardboard packaging all the details is written on the cardboard packaging the ingredient list the direction of use manufacturing date this product retails for 649 bucks for 30 ml of the product uh, this comes with a uh, hyaluronic acid and also vitamin C so hyaluronic acid makes it actually very very hydrating for skin and vitamin C helps to brighten up the skin so that is the packaging very basic cardboard packaging this has non oily नॉन ग्रीसी फार्मूला वेरी वेरी हाइड्रेटिंग वाटर रेजिस्टेंट भी है ये तो अगर तुम्हारे फेस पे पानी आ गया है बारिश है तो इट्स नॉट गन अ मूव इट्स नॉट गन अ बर्ज एंड अफकोर्स द फॉमूला इज ऑल्सो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड सो दैट इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग वंस यू जस्ट ओपन दिस ऐप अब ये खा लिया क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया है सो दैट्स हाउ द मेन पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस इज रेली रियली क्यूर दिस इज अ ग्लास फ्रॉस्टेड पैकेजिंग एंड रियली वेली लाइक फ्रॉस्टेड पैकेजिंग स्पेशली विद द वाइट कैप लाइक वाइट एप्लीकेटर सो ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है बहुत ज़्यादा रिच लुक लगता है Now, अगर हम इसके एप्लीकेटर की बात करें तो ये आता है एक ऐसे ड्रॉपर एप्लीकेटर के साथ में सो so, ये जो पैकेजिंग है ये सिर्फ बाहर से ही अच्छी है टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डू नॉट रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट लाइक दिखने में ही अच्छी है बट इसको यूज करना काफ़ी ज्यादा मैसी है क्योंकि एक तो ये इसमें प्रोडक्ट आता ही नहीं है लाइक like, अगर तुम इसमें प्रोडक्ट लेने की कोशिश करोगे आई ट्राई डूइंग इट अ लॉट ऑफ टाइम्स बस इतना ही प्रोडक्ट आ पाता है लाइक द ड्रॉपर इज़ ऑफ नॉट दैट गुड क्वालिटी तुम देख सकते हो मैं कितनी बार ये ट्राई कर चुकी हूँ प्रोडक्ट बहुत मुश्किल से आ पाता है बहुत बहुत मुश्किल से अफकोर्स आ जाता है बट तुम्हें बहुत ज़्यादा एफोर्ड करना पड़ेगा एंड ऑल्सो दिस इज़ सुपर मैसी जब भी प्रोडक्ट लोगे एंड वापस से प्रोडक्ट लेने के लिए जाओगे लाइक इट इज़ सो मैसी तुम देख सकते हो इसका माउथ लाइक दस दिस एरिया इट्स जस्ट सो सोटैकी तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है तो पैकेजिंग वाइज आई डो नॉट रियली लाइक दिस पंप अप्लीकेटर होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस अप्लाई करने का इसको ईजी हो जाता है सो या पैकेजिंग वाइज आई डो नॉट रियली लाइक इट बट इफ ए टॉक अबाउट द फॉमुला तुम कंसिस्टेंसी ऑलरेडी देख चुके हो इट इज मीडियम इन कंसिस्टेंसी इज नॉट सुपर थेक बट बहुत रनी भी नहीं है वाटर लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है जो कि काफ़ी ईजी होता है अपलाई करने के लिए दिस डज नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस मतलब इसके अंदर वही यू you नो know, जो मेकअप प्रोडक्ट्स में स्मेल होती है जस्ट बेसिक वही स्मेल है कोई खुशबू नहीं है इसके अंदर सो दैट वुड बी ग्रेट इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन तो हमारी स्किन को इरीटेट नहीं करेगा नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला एंड हाउ डज दिस फील ऑन द स्किन आई वुड से आई रील लाइक दिस प्रोडक्ट बिकॉज द फिनिश इज जस्ट सो सो गुड मैंने इसको विंटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है एंड उसके बाद ही मैं रिव्यू कर रही हूँ तो हाँ ये स्किन के ऊपर एक्चुअली काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाइड्रेटिंग लुक देता है विटामिन सी का मुझे नहीं पता अगर वो ब्राइटनिंग एक्चुअली स्किन के लिए करता है या नहीं आई मीन इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट हम बहुत ज्यादा और रोज तो यूज करेंगे नहीं और कितना ही ब्राइटनिंग वो प्रोवाइड करेगा आई लिटरली डू नॉट नो दैट बट हलोनिक एसिड डेफिनेटली डस्ट द जॉब ये काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है स्किन के लिए अगर तुम्हारी स्किन पर ड्राई पैचेज है ना तो ये इसमें बिल्कुल भी क्लिंग नहीं करेगा दैट्स वॉट आई रियली रेली लाइक अबाउट इट बट वन थिंग आई वुड से अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है आई डोंट थिंक दिस फॉर्मूला इज फॉर यू स्पेशली फॉर समर्स बिकॉज ये काफी ज्यादा ग्लोई एंड काफी ज्यादा ड्यूई है एना का तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वेट होता है काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है तुम्हारे फेस के ऊपर तो मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक तुम्हारे फेस पे लास्ट करने वाला है तुम ज़्यादा शायद पसंद नहीं करोगे इस मामला को क्योंकि ऑयली स्किन पीपल्स प्रिफर यू नो मैट फिनिश नॉट हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स तो ऑयली स्किन ब्यूटीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस वन बट इफ़ यू हैव नो ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन तो आई थिंक तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अगर तुम कवरेज की बात करोगे तो बहुत ही श्योर कवरेज है अभी मैंने यही पहना अपनी स्किन yeah. के ऊपर एंड दिस लुक्स रियली नाइस राइट मेरी स्किन के ऊपर जितना भी यू uh, नो you know, uh, थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं वो कवर हो गए इवन टोन हो गई है मेरी स्किन बट अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पर मेरी फेस में मोल्स हैं तो वो अभी भी विजिबल है तो बहुत ही नेचुरल इवन टोन स्किन प्रोवाइड करता है सो कवरेज वाइज इट्स परफेक्ट फॉर योर एवरीडे यूज़ अगर तुम कॉलेज जाते हो और ऑफिस जाते हो एंड जस्ट तुम्हें ऐसे बाहर जाना पसंद है और तुम्हें तो फुल ऑन मेकअप नहीं लगाना है अपने फेस के ऊपर तो ये बहुत परफेक्ट है उस पर्पस के लिए भी नाव uh, इतनी ज्यादा बक पक करने के बाद अफकोर्स तुम्हें एप्लीकेशन देखनी क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट right? तो मैं ये प्रोडक्ट लगा के तुम्हें दिखाने वाली हूँ एक साइड पर मैं ब्रश का यूज़ करूंगी और दूसरे साइड पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करूंगी ताकि तुम्हें दिखे कि तुम इसे कौन से वाले एप्लीकेटर के साथ यूज़ करना चाहते हो दोनों के साथ यूज कर सकते हो बट मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें कौन से वाले प्रोडक्ट को यूज़ करने से कैसा फिनिश मिलेगा तो फर्स्टली आई एम गोना टेक माई ब्रश एंड देन आई एम जस्ट गोना ना इट अप आई पर्सनली लाइक टू वार्म प्रोडक्ट्स फर्स्टली उससे वो काफ़ी इजिली ब्लेंड हो जाते हैं स्किन के ऊपर तो आफ्टर वार्मिंग इट अप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स मैं उसको अपनी स्किन पर लगाऊंगी एंड देन यूज दिस रियली नाइस ट्रिपलिंग ब्रश ये आई थिंक स्विस्ट ब्यूटी का है काफ़ी अच्छा ब्रश है काफी अफोर्डेबल है तो फिर मैं इससे धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन को ब्लैंड नॉट फाउंडेशन सीसी सिरम को ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी नाउ वन थिंग द आई नोटिस विद दिस प्रोडक्ट इफ यू जस्ट वर्ल्ड द ब्रश तो इससे ब्रश स्ट्रोक्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक्स आते हैं वो बिल्कुल ब्लेंड नहीं होता है सो द वे टू एंड द की टू अप्लाई दिस विद अ ब्रश इज़ टू डैब द ब्रश और टैप द ब्रश ऑन द स्किन जैसे कि हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करते हैं अगर तुम स्वर्ड करोगे और अगर तुम ड्रैक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक्स आएंगे स्किन के ऊपर आई जनरली डोंट अप्लाई दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइक बीबी क्रीम सी सी क्रीम और फाउंडेशन ऑन माई आईज बट जस्ट टू शो यू कि डार्क सर्कल्स को कितना ज़्यादा कवर करता है मैं इसको आइस पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड यू कैन सी कैसा दिख रहा है काफ़ी अच्छे से इसने कवर कर दिया है बट इट्स नॉट फुल कवरेज राइट बहुत ही श्योर कवरेज है इन जस्ट वन को अभी जब ये हो चुका है उसके बाद आई एम जस्ट कर बिल्ड इट अप जस्ट टू शो यू कि अगर तुम इसे बिल्डअप करना चाहते हो तो ये कैसा हो जाता है इट इज़ ईजिली बिल्डेबल ये ऐसा नहीं है कि अगर तुम सेकेंड लेयर ऑफ दिस लगाओगे तो ये सेपरेट होने लग जाएगा काफ़ी इजिली ब्लेंड हो जाता है सेकेंड लेयर एंड ऑफकोर्स यू गेट बेटर कवरेज तो अगर तुम्हें बहुत लाइट कवरेज चाहिए जस्ट एक ही यू नो लेयर अप्लाई करो एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर कवरेज मीडियम कवरेज चाहिए तो तुम दो लेयर्स तक अप्लाई कर सकते हो मैंने कभी भी दो लेयर से ज़्यादा इसको नहीं अप्लाई किया आई डोंट नो अगर तुम तीन चार लेयर तक जाओगे तो कैसा होगा एंड आई थिंक तुम्हें तीन चार लेयर नहीं लगाना चाहिए दो लेयर इज मोर देन इनफ एंड इससे काफ़ी मीडियम कवरेज मिल जाता है जो कि परफेक्ट है फॉर एवरीडे मेकअप लुक तुम देख सकते हो हाउ ब्यूटिफुल दिस इज लुकिंग ऑन द स्किन एंड कवरेज भी काफ़ी बेटर है ऑफकोर्स तुम्हें इसे सेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे ये अभी है इट्स जस्ट कर ट्रांसफर एवरीवेयर जहां पे भी तुम जाओगे जहां पे भी तुम किसी को हक करोगे कुछ भी करोगे ये ट्रांसफर होने वाला है क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा ये सेट नहीं होगा अपने आप तो तुम्हें सेट तो उसको करना पड़ेगा नाउ वंस दिस पार्ट ऑफ माई फेस इज डन तुम इजिली डिफरेंस देख सकते हो साइड बाई साइड इट्स अ ह्यूज डिफरेंस डार्क सर्कल्स एक्ने मार्क्स एवरी थिंग यू कैन सी तो उसने काफ़ी अच्छे अच्छी कवरेज दी है तो आई वुड से इट्स इट्स रियली गुड फॉर अ सी सी सिरम नाउ आईम गना अप्लाई द सेम प्रोडक्ट अफकोर्स विद द हेल्प ऑफ माई डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर अगेन आम गोना टेक द प्रोडक्ट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड वार्मिंग इट अप एंड देन अपलाइंग दिस ऑन माई फेस एंड आई एम गना यूज द डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर टू अगेन अफकोर्स डैप दिस ऑन माई स्किन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यू आर नॉट गन गेट दैट मच ऑफ कवरेज इन स्पेशली इन वन लेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट मैं बहुत लाइटली डैप कर रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना एंड डू नॉट ड्रैग योर ब्यूटी ब्लेंडर इट्स अ की रूल डू नॉट एवर ड्रैग योर ब्यूटी ब्लैंडर ऑन योर फेस सारा यू नो फाउंडेशन और जो भी तुम सी सी सीरम लगा रहे हो वो मूव कर जाएगा तुम्हें जीरो कवरेज मिलेगी और बहुत ही पैची हो जाएगा तुम्हारा बेस सो जस्ट फॉलो द डैविंग मोशन ऑफ अफकोर्स uh, मैं अपने आईज के ऊपर भी लगाऊंगी फॉर हेड एवरीवेयर एंड तो मैं भी डिफरेंस दे सक, देख सकते हो वन लेयर में इसमें उतना कवरेज नहीं आया जितना हमें ब्रश से वन लेयर में कवरेज मिला था बट ऑफ कोर्स आई एम गोना बिल्ड इट अप टू शो यू अगर हम सेकंड कवरेज लगाते हैं सेकंड लेयर लगाते हैं तो ये कैसा लगता है एंड आफ्टर यू नो ब्लेंडिंग द सेकेंड लेयर एज वेल अफकोर्स मैं अपने डार्क सर्कल्स भी कवर करूंगी सेकेंड लेयर के साथ में भी आई फील देर इज़ बेरली एनी डिफरेंस सो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इस प्रोडक्ट के साथ में क्योंकि डेफिनेटली ब्यूटी ब्रेंडर सोक करता है प्रोडक्ट को बट आफ्टर प्लाइंग सेकेंड लेयर देर इज बेर् एनी डिफरेंस लाइक उन्नीस पीस का ही डिफरेंस है ट्रस्ट मी ब्रश वाले साइड पर ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा कवरेज है बट ब्यूटी ब्रेंडर वाली साइड पर भी काफ़ी बेटर कवेज मुझे मिला है विच इज़ इंसिनली ब्यूटिफुल दिस सी सी सराम कम्स इन थ्री डिफरेंट शेड्स जो मेरा शेड है वो है जीरो टू पी जो कि मुझे परफेक्टली सूट करता है मैंने अभी वही वेयर किया है अपने फेस की

सो द फर्स्ट शेड इज़ जीरो वन वनला विच इज़ अ वेरी वेरी लाइट शेड यू कैन क्लियरली सी मैं इसको खोलने नहीं वाली क्योंकि मुझे यूज़ नहीं होगा सो आई माई जस्ट गिव इट अवे टू समन जिसका शेड ये होगा मेरा ये शेड बिल्कुल नहीं है मुझे काफ़ी लाइट है बट याद है से ज़ीरो वन वनला विच इज़ अ वेरी वेरी लाइट शेड तो ये फेयर स्किन के लिए परफेक्ट है देन माई शेड इज जीरो टू पीच विच सूट्स मी परफेक्टली बहुत बहुत ब्यूटीफुल शेड है ये तो मुझे बहुत अच्छे से अगर तुम्हारे तुम्हारी स्किन टोन मेरे आस पास है तो मैं जीरो टू बहुत अच्छे से वर्क uh, करने वाला है एंड देन दीरो थ्री शेड इज़ हनी विच अगेन इज़ अ शेड फॉर मीडियम स्किन टोन्स तो डस्ट की स्किन के लिए तो कोई शेड है ही नहीं लाइक दिस इज़ द डार्केस्ट शेड दट दे हैव विच इज़ लाइक क्वाइट वार्म एंड क्वाइट यू नो येलो अंडर टोन सो शेड अच्छा है ये भी बट जो बहुत चॉकलेटी ब्राउन स्किन होती है उनके लिए कोई भी शेड नहीं है सो so, They can't use this formula because, trust me, the formula is just so good, and I really want people to try this formula out because I'm really impressed with the formula with Mama Earth that they have made a wonderful, wonderful CC serum they definitely need to work on their shade range it's just so bad three shades is just so not enough for indian skin tones but so yeah i think i love this product because the formula is just so so beautiful and the pricing also is quite reasonable i would say it retails for 649 bucks and you can use my coupon code which is right now on the screen that is is 2023 and you will get additional 20% off on the mama earth's website the coupon code hai na, sef website page aligaharunke app नॉट ऑन नाइका और अमेजान और फ्लिपकार्ट और पर्पल उन सब जगहों पर नहीं जस्ट ऑन द मामा अर्थ वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन द ऐप एंड दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय मामा अर्थ मैं अपना बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आईम जस्ट प्रोवाइडिंग दिस कुपन कोड इन केस यू वन गैट दिस प्रोडक्ट और तुम्हें थोड़ा पैसा बचाना है अपना तो तुम डेफिनेटली कुपन कोड यूज़ कर सकते हो एंड दिस कुपन कोड इज ऑल्सो नॉट अफिलिएटेड यू गाइज सो आई एम नॉट ग अर्न एनी कमीशन थ्रू दिस कुपन कोड दिस कुपन कोड इज़ जस्ट फॉर माई ऑडियंस जस्ट फॉर यू गाइज टू सेव सम मन I'm not gonna earn any any commission. So, mera fayda nahi hai. but yeah, it's just for you guys. So, if you guys want to just save up some money, just use this coupon code. Love this formula, love the finish. It's super super beautiful, perfect for uh, you know, normal skin and dry skin beauties out there, boys or girls, just try this formula. You are just gonna love this. I hope for work on packaging and shade range. Then this product would be amazing. So I have covered all the details about this product. I think the shade range, pricing, everything, the formula, the finish, everything. But still, in case I forgot something about to tell you guys about this product, you can definitely ask me in the comment section below. I would love to reply to you guys. Guys. and that is that what i have to do for you guys in this video i hope you guys found this video helpful and also enjoyed watching this if you did then make sure to like this video and also subscribe to my channel that means a lot to me i will see you guys very very soon in my next video till then stay safe stay at home i love you guys all so much bye